बच्चों को बचाने के लिए पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी वो दर्द महसूस कर सकती हूँ एक बच्चे का खोने का, लेकिन ये गवर्नमेंट इस दर्द को नहीं महसूस कर रही है। कि कम से कम वो 70 जो बच्चे मरे हैं और 18 एडल्ट भी मरे हैं, उनकी फैमिली को मुआवजा दे। आखिर उनके बच्चे मरे, उनके पीछे किसका हाथ था ये हमें बताएं। डॉक्टर कफील जो एक डॉक्टर हैं, जिनकी आप वीडियो हर जगह देखते होंगे, वो हर जगह कैंप लगाते हैं, जहां बाढ़ आए, कोई परेशानी हो जाए, बच्चे बीमार हो जाएं। पिछली 12 जनवरी को जब अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, 12 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम किया गया जो सीए के खिलाफ प्रोग्राम था, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि FIR 2 लोगों के नाम हुई थी, योगेंद्र यादव के नाम भी FIR थी और कफील खान के नाम भी FIR थी, लेकिन गिरफ्तारी किसकी हुई? सिर्फ कफील की गिरफ्तारी हुई। और कफील आज भी मथुरा की जेल में बंद है और कोई अदालत उनका मामला सुनने को तैयार नहीं है। कभी एक दिन की डेट, कभी दो दिन की डेट, कभी तीन दिन की डेट। आज कफील की वाइफ गोरखपुर से चलकर आपके बीच में अपनी बात रखने आई है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ और अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शबिस्ता खान, डॉक्टर कफील खान की वाइफ हूँ। मैं आप लोगों के सामने सिर्फ इसलिए आई हूँ कि जब जब मेरे हस्बैंड ने कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी खिलाफ नहीं बोला, ऐसे भी जब भी वो बोलते हैं तो उनको बार बार अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो चुप हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब BRD केस हुआ था, जब BRD में बच्चे मरे थे, तो उस लिए उनको 9 महीने की जेल दे दी गई थी, जबकि वो सबसे जूनियर मोस्ट डॉक्टर थे और उन्होंने बस यही गलती की थी कि उन्होंने जो 70 बच्चे मरे थे उनको बचाने के लिए वो रात में वहाँ से निकले थे। उन्होंने पूरी कोशिश की थी, उन्होंने काफ़ी बच्चों को बचा भी लिया था, लेकिन एक इंसान इतने बच्चों को नहीं बचा सकता जब ऑक्सीजन ही बंद कर दी जाएगी। इस वजह से उनको 9 महीने जेल में टॉर्चर किया गया और जब वो निकले तो हाई कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी कि इनकी कोई गलती नहीं थी और इन्होंने पूरी अपनी कोशिश की थी उन बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन जो हमारा 9 महीने गुजरा वो तो हमें कोई वापस नहीं ला सकता था। फिलहाल उसके बाद भी आज भी जब हमारे हस्बैंड जब 2 क्वेश्चन करते हैं, जब भी वो क्वेश्चन रेस करते हैं कि आखिर वो 70 बच्चे जो मरे थे उसके पीछे 70 बच्चे भी मरे थे और 18 एडल्ट भी मरे थे, आखिर उसके पीछे किसका हाथ है, कौन जिम्मेदार है और उन जो बच्चे मरे हैं उनकी फैमिली को मुआवजा दिया जाए। जब ये 2 क्वेश्चन जहाँ भी जाते हैं, किसी भी कम्युनिटी में जाते हैं, तो ये 2 क्वेश्चन रेस करते हैं। इसके बदले में सरकार है और सिस्टम है वो उनको किसी ना किसी केस में फंसा कर उनको जेल में बंद कर देती है। उनको इस क्वेश्चन का आंसर ना दे के उनकी फैमिली को उनको पर्सनली टॉर्चर किया जाता है। आज भी जब वो अलीगढ़ गए, उन्होंने जो भी स्पीच दी, हम अपने हक के लिए आज पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड अगेंस्ट है जो बोल रहे हैं, उनके लिए उन्होंने वहाँ पे स्पीच दी, उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं बोला था और किसी के बोलने से कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, लेकिन सिस्टम को, लेकिन गवर्नमेंट को परेशान करना है तो उन्होंने अलीगढ़ में उनको बोलने स्पीच देने के बल पे उनको अरेस्ट कर लिया। आज भी उनको जेल में रखा हुआ है और उनको रिहा नहीं कर रहा है, जबकि बोलने पे किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये हमारा हक है, हमको इसके लिए बोलना है और आज भी वो हमें परेशान किए जा रहे हैं। जब भी हम 2 क्वेश्चन करते हैं कि ये बच्चे कैसे मरे, उनके फैमिली को मुआवजा दिया जाए, तो उसका आंसर ना दे के सीधे डॉक्टर कफील को अरेस्ट करो, उनकी फैमिली को टॉर्चर करो, डॉक्टर कफील अपने आप चुप हो जाएंगे। जबकि इसके लिए इन्होंने गवर्नमेंट ने डॉक्टर कफील को फंसाने के लिए कोई कुछ छोड़ा नहीं, इन्होंने 11 अथॉरिटीज से डॉक्टर कफील की इंक्वायरी करवाई BRD में कि कोई ना कोई कहीं तो डॉक्टर कफील फंस जाए।
जाएंगे। लेकिन डॉक्टर 11 जो अथॉरिटीज थी उन्होंने जो इंक्वायरी की सभी ने डॉक्टर कफील को क्लीन चिट दे दी कि इनकी कोई गलती नहीं थी बीआरडी केस में। ये सबसे जूनियर मोस्ट थे और जूनियर मोस्ट होने के साथ साथ एक कहते ना एक फादर भी है, वो एक दर्द महसूस कर सकते हैं। उन्होंने उस बच्चों को बचाने के लिए पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी वो दर्द महसूस कर सकती हूँ एक बच्चे का खोने का, लेकिन ये गवर्नमेंट इस दर्द को नहीं महसूस कर रही है। और जब भी हम उन माओं को मुआवजा देने के लिए उनके बच्चे जो मरे हैं उनके कातिल को ढूंढने के लिए जब भी हम कोशिश करते हैं तो वो हमें चुप कराने के लिए हमारे हस्बैंड को अरेस्ट कर देती हैं और टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती हैं। बस हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं कि हम अपने हक के लिए बोल भी नहीं सकते हैं, हम चुप रहे। वो बच्चे जो मर गए हैं उनकी माएँ हैं जो हमें अरेस्ट कर सकते हैं, तो वो भी डरते हैं सामने आने से कि उन्हें भी कुछ ना कुछ हो जाए। इसलिए हम उनकी आवाज बन के हम सामने आए कि कम से कम वो 70 जो बच्चे मरे हैं और 18 एडल्ट भी मरे हैं उनकी फैमिली को मुआवजा दे। आखिर उनके बच्चे मरे उनके पीछे किसका हाथ था ये हमें बताएं। सिर्फ डॉक्टर कपिल का यही तो क्वेश्चन रहता है और उसके लिए उनको बार बार टॉर्चर किया जाता है, किसी ना किसी केस में फंसा के टॉर्चर किया जाता है कि डॉक्टर कपिल चुप हो जाए। बस हम यही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि प्लीज हमें इसका आंसर दें, उन बच्चों को मुआवजा दें और डॉक्टर कपिल को फ्यूचर में अरेस्ट कर फ्यूचर में टॉर्चर करना बंद कर दें। हमें आप रोक सकते हैं, हमें आप चुप नहीं करा सकते हैं। शुक्रिया।